हाय एवरीवन, मेरा नाम तुषार चौधरी है और मेरी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के एग्ज़ाम में रैंक 32 हासिल की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आज मैं आप सबके साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करना चाहूँगा ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के और गेट एग्ज़ाम के, तो सबको हेल्प मिलेगा तैयारी में। पहले स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम तुषार चौधरी है। मेरा बर्थ मेरठ में हुआ, उत्तर प्रदेश। मेरे फादर यूपी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो मैं बिजनौर में रह चुका हूँ, मुजफ्फ़रनगर में रह चुका हूँ, गौतम बुद्ध नगर में रह चुका हूँ और अभी मैं पिछले 10 साल से गाज़ीआबाद में रह रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल इंद्रापुरम से करी है, 10th and 12th बोथ। 12th के ठीक बाद मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और फिर IIT दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू इंटेल टेक्नोलॉजीज में काम किया, ग्राफिक्स हार्डवेयर की प्रोफाइल पे। ये एक इंजीनियर्स के लिए कोर प्रोफाइल है। फिर उसके बाद मैंने गेट 2021 लिखा और उसके बाद मैंने ESE 2021 लिखा। जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज अपने आप में एक साल का एग्ज़ामिनेशन होता है। तो उसके बाद प्रीलिम्स इनका जुलाई में हुआ, मेंस नवंबर में, इंटरव्यू मार्च में। इसी बीच गेट 2022 भी आ गया था क्योंकि गेट का एग्ज़ाम हर फरवरी में होता है। तो गेट 2022 फरवरी में मैंने दिया, उसमें मुझे 9वां स्थान प्राप्त हुआ। और आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का बात करेंगे पूरे प्रोसेस की, क्या क्या स्टेजेस होती हैं और हर एक स्टेज की प्रेप मैंने कैसे करी। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि किन पॉइंट्स का हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन करने के वक्त। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की जो वेरियस स्टेजेस होती हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एक 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। जैसे इसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मेरा इसमें मोटिवेशन क्या था इस एग्ज़ाम की तैयारी का? अगर हम देखें इंडिया में जो इंजीनियरिंग की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आपके करियर ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और यू कैन से विच इज़ दी फास्टेस्ट कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ दैट यू कैन जॉइन फॉर इंजीनियरिंग प्रोफाइल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ थ्रू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो है CPWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, IDSC के नाम से जाना जाता है, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, CPES, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट इज़ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे करके बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। आज से 2 साल पहले तक रेलवेज़ भी इसमें था, पर अभी उसका प्रोसीजर अलग हुआ है। अब बात करते हैं स्टेजेस की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का और दूसरा पेपर आपके टेक्निकल डोमेन का। टेक्निकल डोमेन में कौन कौन लोग आ सकते हैं? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं। और आपकी बीटेक डिग्री, इसका जो एलिजिबिलिटी है, आपकी बीटेक डिग्री होनी चाहिए। आपकी बीटेक डिग्री किसी और डिपार्टमेंट की भी हो सकती है एंड आप स्टिल उसमें अपीयर हो सकते हैं। जैसे अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपीयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और आपका इसमें स्कोर आना चाहिए। बात करते हैं GS की। GS पेपर इसका जो है उसमें मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड तो है, उसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं वो थोड़े इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, करंट अफेयर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरे पेपर में जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँगा। इलेक्ट्रिकल में आपके हो जाएंगे नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, तो ये सारे सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जैसे गेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये 10 से बढ़ के 15 हो जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी डाउट ये भी होता है कि मैं गेट की तैयारी करूं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो देखिए, गेट का सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का सबसेट है। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल में अपार्ट मतलब गेट से अलग जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, एक तो हो गया मटेरियल साइंस, एक हो गया कम्युनिकेशन, एक हो गया माइक्रो प्रोसेसर, एक हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। बस ये तीन मतलब 4 सब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है। अब हमने प्रीलिम्स का एक आइडिया ले लिया कि सिलेबस क्या है, ठीक। एक मेंस के सिलेबस का आइडिया ले लेंगे, फिर इंटरव्यू के, फिर आगे हम बात करेंगे कि तीनों की प्रेप मैंने कैसे करी। अब मेंस का सिलेबस में इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो मैंने आपको टोटल ये 14-15 सब्जेक्ट का जो सिलेबस बताया उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, तो एक में लगभग 6-7 सब्जेक्ट हो गए और दूसरे में भी ऐसे 6-7 सब्जेक्ट हो गए। पेपर 1 3 घंटे का, पेपर 2 3 घंटे का, एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यही 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इसका इंटरव्यू यूपीएससी ढोलपुर हाउस में होता है। यूपीएससी चेयरमैन सर इसको हेड करते हैं इंटरव्यू बोर्ड को, और उनके साथ 3 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। टेक्निकल मेंबर्स का बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम वेरियस पब्लिक सेक्टर्स, वेरियस एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री, और दे आर एक्स सर्विसमैन ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये हमने जाना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में। इनकी मार्किंग के बारे में जान लेते हैं। प्रीलिम्स मैंने जीएस का पेपर है और टेक्निकल का पेपर है। जीएस का पेपर 200 मार्क्स का होता है, टेक्निकल का पेपर 300 मार्क्स का होता है, तो टोटल प्रीलिम्स आपका 500 मार्क्स का हो गया। इस एग्ज़ाम में हमको ध्यान रखने की बात यह है कि प्रीलिम्स का भी स्कोर आपके फाइनल मेरिट में ऐड होता है, तो आपको वहाँ पे कोताही नहीं बरतनी है, आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर नहीं करना, वहाँ पे भी आपको थोड़े कॉम्पिटिटिव एज के साथ अटेम्प्ट करना है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं। 600 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो गया, यानी प्रीलिम्स 500, मेंस 600। और फाइनली इंटरव्यू की बात करते हैं। इसमें इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है, ठीक। तब आपका जो टोटल स्कोर बनता है उसके हिसाब से मेरिट निकलती है और फिर उसके हिसाब से रैंक आती है, और बाद में आपकी जो रैंक आती है, जो आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट एलोकेट होता है। ओके, अब मैं बात करूँगा कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी, मेंस की तैयारी कैसे करी और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी। देखिए, इसमें प्रीलिम्स का जो हम देखें, अगर सब्जेक्ट देखें, टेक्निकल के 15 सब्जेक्ट्स हो गए और जनरल स्टडीज़ के 10 सब्जेक्ट्स हो गए, जो कि अपने आप में ही 25 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया। तो उसमें क्या है, आपसे वो डेप्थ डिमांड नहीं करेगा, मतलब वो आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप 25 सब्जेक्ट में एकदम मास्टरी गेन करके रखें। तो वो आपसे ये चाहेगा कि आपका एक वाइड कवरेज होना चाहिए, आपको टर्म्स, की टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, और एकदम बहुत इन डेप्थ न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता है प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस भी इतने होते हैं, आपको फटाफट करने होते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में हमारी अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगी, और हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम जितने भी नोट्स हैं या जितने भी हमने रेफरेंस बुक्स यूज़ करी हैं उनको हम कवरेज कर सकें, फास्ट पेजेस पलट के कि ओके इस टॉपिक में ये है, इसमें ये है, आगे फटाफट, ठीक है। मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, मेंस में टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपकी राइटिंग एबिलिटी पे काम होता है। मेंस में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे और आपसे इन डेप्थ एनालिसिस भी एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि मेंस में आपसे केवल आपके टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जो कि 15 सब्जेक्ट्स हैं, और ये तो अब आपका अपना है, इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, और जहाँ से भी जो क्वेश्चन मिले वो सॉल्व करेंगे। तो मेंस का हमारा मेन मुद्दा प्रैक्टिस का है, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे हम प्रेप करेंगे? इंटरव्यू में एक हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, विच इज़ बेसिकली योर CV, जो आप उनको सबमिट करते हैं, एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो उनके सामने होता है। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम इंजीनियरिंग सर्विसेज का है और आप एक इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेक्निकल के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू, मतलब आपकी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए जो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, CV उनके सामने है तो उनमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे। CV यानी DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपकी DAF अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो भी कीवर्ड्स आपके DAF में हैं, जो भी टर्म्स हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं मेरे से ही, तुषार नाम है मेरा, तो पहला क्वेश्चन मुझसे तुषार के ऊपर ही पूछा गया था। तो जितने भी आपके उसमें कीवर्ड्स हैं DAF में, आप उसके ऊपर क्वेश्चन बनाइए, 5-6 क्वेश्चन बनाइए हर कीवर्ड पे। तो उससे आपका DAF पूरा कवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू में कि आपको एक थोड़े जनरल ट्रेंड्स का आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडिया में। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि थर्मल में कितना है, हाइड्रो में कितना है, सोलर में कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या स्कीम्स आई हैं। इस तरीके से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब मैं आपसे बात करूँगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे प्रिपरेशन करी जाए। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और टेक्निकल का। अब आते हैं कि जीएस में हम स्कोर अपना मैक्सिमाइज़ कैसे करें। देखिए, जीएस काफ़ी वाइड डोमेन हो जाता है। इसमें हमको ऐसे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ तक पूछेंगे। जैसे टेक्निकल में तो है ना कि कंट्रोल सिस्टम में ये टॉपिक्स हैं और उनके लिए कंटेंट भी अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, पर जीएस में यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो जीएस में इंस्टेड ऑफ गोइंग वेरी रैंडमली ऑन द इंटरनेट एंड सर्चिंग थिंग्स, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आने की गारंटी नहीं है। तो जीएस पेपर के लिए हम तैयारी ऐसे करेंगे जैसे सब कर रहे हैं। जीएस की प्रिपरेशन हम सब भीड़ के साथ चल के करेंगे, क्योंकि वही भीड़ है जो एग्ज़ाम देने वाली है और उनके साथ हम प्रेप करेंगे। तो एक एवरेज अबव एवरेज स्कोर तो हम जीएस में ले आएंगे और टेक्निकल में हम पूरी लीड ले लेंगे। तो बात करते हैं जीएस की। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। 200 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर आपके वहाँ से 60 नंबर का 50 से 60 नंबर का वो आएगा। तो आपको वहाँ कोशिश करनी है कि 50 से 55 या 40 45 इतने तो स्कोर आपको लाना है। फिर इसके बाद सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा रहेगा? इसके बाद आएगा आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है। साइंस हमने थोड़ा बचपन में पढ़ा भी है, वो सब पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, इंटरेस्टिंग भी रहता है। सुपर कंडक्टर, नैनो मटेरियल्स, इसमें एक सेंस ऑफ श्योरिटी भी रहती है क्योंकि जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें आप स्कोर कर पाते हैं। उसके बाद अगला स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एनवायरनमेंट प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? एनवायरनमेंट और मटेरियल साइंस और जितने भी अब मैं जीएस के सब्जेक्ट बताने वाला हूँ, आप प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे मेड इजी हो गए, एस अकेडमी हो गए, इनके आप फ़ोटोकॉपी नोट्स अवेलेबल हैं और इनकी थ्योरी बुक्स अवेलेबल हैं। ओके, तो आप इनकी फ़ोटोकॉपी नोट्स घर पे मंगाइए और थ्योरी बुक्स मंगाइए। इनको 2 से 3 बार पढ़ जाना है। एक बार रीडिंग करा, दैट्स गुड। नेक्स्ट टाइम अंडरलाइन करिए जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। नेक्स्ट टाइम हाईलाइट करिए जो भी आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, दैट इज़ इट। यूजुअली हम बहुत डरते हैं कि जनरल स्टडीज़ में काफ़ी टाइम लग जाएगा और अभी तैयारी पूरी हुई नहीं है। जनरल स्टडीज़ की तैयारी कभी पूरी होगी भी नहीं। बस आप 3 से 4 बार पढ़ के चले जाइए, आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा और आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए आपको यही जो 3 से 4 बार रीड करना है, थ्योरी बुक एंड नोट्स। मैंने मेड इजी के यूज़ किए थे। इसके बाद अगला स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा क्वालिटी, उसमें भी वही सेम काम करना है। इसके बाद रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यही सेम काम करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी होता है, तो आपको उसके बहुत इनडेप्थ न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी है, आपसे वो उतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ओके, अब इसके बाद फिर आपका आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगेन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपसे बस इतना एक्सपेक्टेड है कि अगर एक बेसिक सा ईजी सा न्यूमेरिकल आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्चुअल, फिर आप बना लेंगे। करंट अफेयर्स की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बस ये कोशिश करिए कि मेड इजी की जो ईयर एंड में करंट अफेयर्स की एनुअल इशू आता है, मैगजीन आती है, उसको आप पढ़ लें एक बार और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएँ। अब हमने जीएस का पेपर कवर कर लिया है। तो जीएस के पेपर की प्रिपरेशन की अगर हम कंक्लूड करें जीएस के पेपर की प्रेप को, तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फ़ोटोकॉपी नोट्स हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो थ्योरी बुकलेट्स हैं, यही सब लोग कर रहे हैं। इसके लिए तो हम इसमें सबके साथ चलेंगे। इनको आप 3 से 4 बार पढ़ जाइए और आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाइए। एंड रिमेंबर, मैथ्स और एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन गलत करके नहीं आने। ठीक है, फिर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका 200 में से अगर 80 90 से 100 तक का स्कोर आ रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड इन जनरल स्टडीज़। अब बात करते हैं टेक्निकल की। यहाँ पे हमको लीड लेना है प्रॉपर। ऑलराइट, अब टेक्निकल की प्रेप को मैं 3 हिस्सों में ब्रेक करूँगा। 1 इज़ योर बेसिक रिसोर्सेज, देन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन योर टेस्ट सीरीज। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक रिसोर्सेज। बेसिक रिसोर्सेज, अब ये आपके ऊपर है कुछ लोग सेल्फ स्टडी से करते हैं, कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं। मैंने दोनों का मिक्स किया था, तो मैं बात उसी हिसाब से करता हूँ। तो बेसिक कंटेंट में क्या आएगा, एक आपके क्लास नोट्स होंगे, जैसे 15 सब्जेक्ट्स हैं, एक सैम्पल सब्जेक्ट ले लेते हैं और वही सेम थ्योरी हम हर एक पे अप्लाई करेंगे। जैसे लेट्स टेक कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम के क्लास नोट्स होंगे जिसमें मेरे नोट्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद जैसे आपके इसमें शॉर्ट नोट्स हो गए कि जैसे आपको कुछ टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो उसको आप अपनी आसान भाषा में आपने लिख लिया A4 शीट पर कि ये बार बार भूल रहे हैं। तो बेसिक सोर्स आपकी यही है कि ये बेसिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव कर सकते हैं। अब हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली टू प्रीलिम्स, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे कई बार रिपीट होते हैं। ऑलराइट, तो इससे हम अगर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ रहा है जो हमने पहले देखा हुआ है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम किसके करेंगे, इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स इलेक्ट्रिकल प्रीवियस 30 ईयर्स के जो मिल जाते हैं, 20 ईयर्स 30 ईयर्स जो भी। और फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। जो सब्जेक्ट कॉमन हैं हम उनके करेंगे तो उससे हमारा काफ़ी अच्छा एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा और ये आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इनको ही हमको दो बार करना है कम से कम। मैं 2 से 3 बार बोल रहा था, पर बीइंग रियलिस्टिक अब 2 बार करेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब बेसिक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जामिनेशन के लिए। मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट उतनी ज़्यादा नहीं है पर देनी ज़रूर है, ठीक है। मैंने इसलिए ऐसा क्यों कहा कि उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिसहार्टन नहीं होना है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में जो स्कोर आ रहा है उससे। मेन मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेन टेस्ट सीरीज़ का रोल प्ले होता है मेन्स में, ठीक। तो आपको फोकस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए किस पे करना है, basic content, that is your class notes and your short notes and your previous year questions electrical and electronics। इनको ही आपको इटरेट करके अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज़ एक आध कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर लीजिए और एक आध टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए, स्कोर से डिसहार्टन नहीं होना है। लेट्स मूव ऑन टू मेंस नाउ, ठीक है। अब मेंस के प्रिपरेशन में रूट्सलेस प्रैक्टिस चाहिए। ये कहाँ से करेंगे, इसमें भी देखिए बेसिक, PYQ, टेस्ट सीरीज़। अब इसमें बेसिक में क्या आ जाएगा, क्लास नोट्स आपके प्रीलिम्स के लिए जो हैं वो यहीं पे अप्लाई होंगे। फ़र्क मेंस में केवल प्रैक्टिस का आता है, ओके। अब PYQs पे आते हैं। इसमें आप क्या करिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल मेंस, इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स मेंस, सिविल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल मेंस, इनके पेपर तो करेंगे ही करेंगे। और साथ में वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वर्कबुक्स आती हैं। वर्कबुक्स आर नथिंग बट बेसिकली द कंपाइलेशंस ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड बुक्स। जो भी आपकी मोटी मोटी इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनमें जो सॉलिड एग्जांपल्स होते हैं वही सीधा वर्कबुक में डाल दिए जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप ढूंढिए अलग अलग किताबों में क्वेश्चन ढूंढिए, पता नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है या नहीं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। और मेरे ओपिनियन में एस अकेडमी की वर्कबुक्स बेस्ट हैं और इसके साथ आप मेड इजी की भी वर्कबुक को क्लब करिए, इतना बहुत होगा। प्रीलिम्स से मेंस में 3 से 4 महीने का गैप होता है, इसमें आप इतना कर लेंगे जो मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, सिविल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल, एस अकेडमी वर्कबुक्स, मेड इजी वर्कबुक। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप इतना कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज़। अनलाइक प्रीलिम्स, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि 3 घंटे का टाइम एक पेपर में होता है एंड टाइम इज़ जस्ट इनफ टू कम्प्लीट द पेपर। एटलीस्ट मैंने जितना लोगों से सुना है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेंस में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आधे घंटे पेपर पहले ख़त्म करके बैठ जाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम टू द पॉइंट और एकदम आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ऐसे होगा वो कैसे है। DKT इंजीनियरिंग। अगर आप केवल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT इंजीनियरिंग। यहाँ आपको इंजीनियरिंग, खासतौर पर जेई मेन और जेई एडवांस से जुड़े टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आपने इमेंस प्रैक्टिस करी है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मेड इजी की और एस अकेडमी की, और उनको रिलीजियसली दीजिए, उनको आप दीजिए। इसमें ऑप्शन है, आप ऑफलाइन सेंटर पर जाके दीजिए या फिर घर पर ऑनलाइन करिए। अगर आप ऑफलाइन जा सकते हैं तो प्लीज़ ऑफलाइन जाके दीजिए। ये मैंने अपने पेपर 2 में ये मार खाई थी कि कहीं ना कहीं शायद टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस की कमी से थोड़ा मेरा टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ था पेपर टू में, और वो फिर उसका मुझे भुगतान भरना पड़ा था। तो इससे मेरी लर्निंग ये है कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ अगर दे सकते हैं तो वो ज़रूर दीजिए एकदम एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में। अब हमने कवर कर लिया मेंस की प्रिपरेशन के तीन पॉइंट्स, बेसिक, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू से इंक्लूडेड जो मैंने वर्कबुक बताया था, एंड टेस्ट सीरीज़। इनमें इस बार इन तीनों को हमको इटरेशन में चलाना है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अपनी नेचुरल बॉडी फ्लो जितना आप वर्किंग आवर्स दे सकते हैं इससे चलाएंगे। अच्छा, बात वर्किंग आवर्स की हो रही है तो लोग पूछ लेते हैं कि कितने वर्किंग आवर्स देने चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स में आप 5-6 घंटे दे रहे हैं रोज़, मोर देन इनफ है। पर मेंस के लिए जब आपको 3 से 4 महीने मिले हैं और सारे कंटेंडर्स प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं, तब आपको कोशिश करना है रोज़ आप एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स दीजिए। और आपका टाइम कहाँ जाएगा? बेसिक कंटेंट, अगेन प्रैक्टिस, एंड अगेन टेस्ट सीरीज़। इसमें प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया था, प्रीलिम्स में हम बेसिक और पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे। इसमें हम लास्ट के 2 पॉइंट्स पे, दैट इज़ प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। इंटरव्यू में I have been fortunate enough to score the third highest score in electrical. I scored 136 out of 200. तो मेरा ये मानना है कि शायद मैं इंटरव्यू में आपको गाइडेंस दे सकूँगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल, DAF और करंट अफेयर्स। टेक्निकल के लिए मेड इजी की एक इंटरव्यू गाइडेंस की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर पूछे गए PSU, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज के इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल वाले से जो स्टूडेंट्स उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो कंपाइलेशन है। और वो कंपाइलेशन बहुत ही ऑसम लगा मुझे, बहुत ही टू द पॉइंट है, बहुत ही मतलब आपने अगर वो क्वेश्चंस कवर कर लिए जो पिछले 20 से 25 साल में पूछे गए हैं इंटरव्यू में, तो बहुत कम चांसेस है कि कोई नया क्वेश्चन उभर के आए। तो आप उस बुकलेट को कवर करिए, इंटरव्यू गाइडेंस बाय मेड इजी। और सेकंड, DAF के लिए कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? आप DAF प्रिंट करिए, हर एक, व्हेन आई एम सेइंग हर एक, दैट मीन्स हर एक वर्ड पे, उस पर आप 5-6 क्वेश्चन बनाइए। जैसे मेरा नाम तुषार है, तो तुषार का मीनिंग क्या होता है, और जैसे तुषार का मीनिंग होता है ओस की बूंद, तो ओस की बूंद का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आपका जो नाम का मीनिंग है वो आप जॉब प्रोफाइल में कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारे आपको क्वेश्चन बनाते जाने। करंट अफेयर्स के लिए तो देखिए, आप कोशिश कर लीजिए कि नेट पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साइंस एंड टेक की न्यूज़ देख लीजिए, पर इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ामिनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रीलिम्स वॉज लाइक टेस्ट सीरीज़, मैंने अपना दिया जो मेरा आउटपुट था। मेंस पेपर 1 वॉज अगेन लाइक टेस्ट सीरीज़। आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझिए, जो मैं कह रहा हूँ कि इट वॉज लाइक टेस्ट सीरीज़, इसका मतलब ये है कि इंसान ने टेस्ट सीरीज़ इतनी बार प्रैक्टिस कर ली कि जब वो असली एग्ज़ाम में भी जाता है तो उसको वैसे ही लगता है कि जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि कोई स्टूडेंट अगर फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है और कोई स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम में सक्सीड कर रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? बात करते हैं कॉमन चीज़ की। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि फ़ेल दोनों हुए हैं। फ़र्क इतना है कि जो सक्सीड हो रहा है वो एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ में फ़ेल कई बार हो चुका है, और जो फ़ेल हो रहा है वो सीधा एग्ज़ाम में पहली बार जाके फ़ेल हो रहा है। तो इस बात को समझिए, कभी ऐसे नहीं होता है कि दिस इज़ सक्सेस, नेवर, इट इज़ ऑलवेज़ लाइक फेलियर 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 देन सक्सेस सक्सेस सक्सेस, दिस इज़ हाउ इट गोस। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे इंटरव्यू, अब प्रीलिम्स की हो गया, मेंस का ने बताया, पेपर 1 वैसा गया। पेपर 2 मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इशू हो गया था कि क्वेश्चन जो खुद से सिलेक्ट करना था तो उसमें मैं थोड़ा रुका था, तो वो मैं मानता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ से उसको ओवरकम कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये याद रखिए कि जो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं और जो फाइनल इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें थोड़ा हमेशा फ़र्क रहता है, मेरे हिसाब से थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खासा फ़र्क रहता है। मॉक इंटरव्यू आप ये लीजिए कि अपनी गलतियों पे काम करने के लिए, मॉक इंटरव्यू में जो नंबर आ रहे हैं उनका डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू स्कोर से कोई कोरिलेशन नहीं। तो अब ये हमने कवर किया कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाएगी। अब हम कुछ 2 पॉइंट्स हैं इनके बारे में बात करना चाहूँगा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जर्नी से, क्योंकि देखिए ये तो मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया, एक ब्लू प्रिंट दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन में ही मेन दिक्कतें आती हैं। तो एग्ज़ामिनेशन जर्नी के वक्त हमको अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका माइंड और बॉडी आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को इफ़ेक्ट करेगा। तो देखिए, मेंटल हेल्थ को एक इन ट्यून रखने के लिए मैं क्या करता था कि 10-12 दिन काम कर लिया, फिर उसके बाद 14th डे या 15th डे कहीं घूमने चले गए। एज इन फ्रेंड से मिलने चले गए और फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 12वें दिन बाहर जाएं ही जाएं कि काम हुए ना हुए। अपनी बॉडी के फ़्लो को समझिए कि जब आपको लग रहा है कि नहीं अभी मन नहीं लग रहा है काम में तो बाहर जाइए। इट इज़ बेटर टू गो आउट एंड एन्जॉय दैन सिटिंग एट होम एंड रिग्रेटिंग एंड जस्ट रैंटिंग अबाउट योर सिचुएशन कि अरे ये तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी बहुत ही दुखद है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के लिए करिए। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको ये नहीं कि आपको एकदम जिम हंक बनना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। फिजिकल फिटनेस इतना हो कि आप रोज़ ज़रा पार्क में एक बार वॉक कर आए, काम करने के बाद थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा फ्रेंड से बात कर लिया घूमते हुए, तो काफ़ी मैं उससे काफ़ी रिजुविनेट हो जाता था, काफ़ी एनर्जेटिक फील करता था। इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम खुद अपने आप में 1 साल का है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद अपने आप में 1 साल की है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल तो लगेंगे आपको क्लियर करने में। मतलब अगर मैं आज 0 से स्टार्ट करूँ तो आज से 2 साल बाद ही आउटकम आएगा। तो ये समझिए कि एग्ज़ाम पेशेंस डिमांड करता है। ठीक है, तो पेशेंस, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन, यही 3 चीज़ें हैं, ये आपको भी पता है। तो इसको समझिए कि हाँ थोड़ा पेशेंस डिमांड करता है, इसके लिए पहले से तैयार रहिए। और बीच में अपने आप को खुश करने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी, जैसे मैंने आपको बताया कि काम करिए तो बाहर घुमाएँ, कभी अपने टेस्ट सीरीज़ के अचीवमेंट्स को हमेशा आप सेलिब्रेट करिए। अगर आप इन छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो आगे तक कैसे जाएंगे। आप ये करिए और ऐसे आपका मोमेंटम बना रहेगा। तो अब हमने पूरा डिस्कशन रफली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया है। तो अब इस सेशन को हम एंड करने जा रहे हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप सभी तक DKT के माध्यम से पहुंचाई। मैं आशा करता हूं आप सभी के लिए ये प्रिपरेशन काफ़ी हेल्पफुल और रिलेटेबल रहेगी जो मैंने अपनी जर्नी शेयर करी है। और मैं चाहूँगा कि आप सब जल्द ही एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करने DKT के प्लेटफॉर्म पर आएँ। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं कि आपके कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं या कोई भी लाइफ से रिलेटेड स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, अगर आपके उससे रिलेटेड डाउट्स आते हैं तो आप बिल्कुल मुझे रीच आउट करिए। उसके लिए मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दूँगा। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।